यदि आप चाहते हैं कि वो जो विनाश इन चार सरदूतों के द्वारा आने वाला है कि पृथ्वी पर एक ही हवा रोक दी जाए, थाम दी जाए, जिससे मनुष्य घुट घुट के मर जाए या घुटन का एहसास हो परंतु मरे जल्दी नहीं, तो उससे बचे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम तीसरे खंड में हैं, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहरबंद पुस्तक, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। पिछले संदेश में हमने 6 मोहर के विषय में प्रकाशित वाक्य 6:13-17 पद के तक के विषय में सीखा था। आज हम प्रकाशित वाक्य 7:1-8 तक के विषय में सीखेंगे। यहाँ पर 144,000 वो इजरायली हैं जिन पर परमेश्वर ने मोहर की है, परंतु हम यहाँ पर आज प्रकाशित वाक्य 7 उसके पहले पद के विषय में सीखेंगे। मैं पहला पद आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 7 उसका पहला पद। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 सरदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुन्दर या किसी पेड़ पर हवा ना चले। इस पद में मुख्य रूप से 3 बातें जो है वो यूहन्ना देखता है, और वो 3 बातें यूहन्ना जो देख रहा है वो 3 बातें क्या हैं? पहली, पृथ्वी के चारों कोनों पर यूहन्ना 4 सरदूत को खड़े हुए देखता है। दूसरा, ये पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए हैं। तीसरा, ताकि पृथ्वी या समुन्दर या किसी पेड़ पर हवा ना चले। पृथ्वी के चारों कोनों पर यूहन्ना 4 सरदूत खड़े देख रहा है, ये पहली बात हम इस पे चर्चा करते हैं। ये पृथ्वी के चारों कोने, ये पृथ्वी की चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। जी हाँ, ये चारों दिशाओं यानी चारों दिशाओं पर यूहन्ना जो है परमेश्वर के उन चारों सरदूतों को जो है वो खड़े हुए देख रहा है, ये ध्यान करिएगा। और इन चारों सरदूतों को जो है चारों दिशाओं पर अधिकार दिया गया है, चारों दिशाओं को ये अपने अधिकार में लिए हुए हैं। अब किस बात के लिए अधिकार में लिए हैं? दूसरा जो है, ये पृथ्वी की चारों दिशाओं की हवा को थामे हुए हैं। देखिए, अब ये 4 सरदूत जो हैं चारों दिशाओं की हवा को, हवा का मतलब होता वायुमंडल, जो पृथ्वी की वायुमंडल है उसको थामे हुए हैं या उसको अपने अधिकार में लिए हैं। हर एक सरदूत हर एक दिशा में उस वायुमंडल को अपने अधिकार में लिए हुए है कि उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जो परमेश्वर उनको जो आज्ञा देगा उसकी इच्छा के अनुसार इस पृथ्वी पर, उस वायुमंडल के द्वारा इस पृथ्वी का वातावरण कैसा होगा या नहीं होगा, हवा चलेगी या नहीं चलेगी, तूफान आएगा, आंधी आएगी, जो भी होगा, ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो है पृथ्वी के वायुमंडल को यूज करते हैं या कार्य करते हैं जैसा परमेश्वर कहता है। तो ये पृथ्वी की वायुमंडल को जो है ये थामे हुए हैं। अब ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने इन चारों सरदूतों को पृथ्वी की चारों तरफ की वायुमंडल पर अधिकार क्यों दिया है? ये बहुत, और वो भी वायुमंडल पर यानी हवा पर अधिकार दिया है, ये हवा को थामे हुए हैं। आखिर ऐसा कारण क्या है? क्योंकि हवा के अंदर, देखिए हवा क्या है, मनुष्यों के लिए बहुत लाभ की चीज है। अगर हवा ना हो तो मनुष्य को बहुत भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए लगभग 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, हवा, पानी और भोजन। जी हाँ, हवा जिसमें ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन के बिना इंसान जो है 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकता। यानी हवा में जो ऑक्सीजन होती है वो मनुष्य को चाहिए होती है, और वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हवा ना हो तो मनुष्य सिर्फ 3 मिनट तक जीवित रह सकता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो मिलनी चाहिए। पानी के बिना 3 दिन तक वो जीवित रह सकता है, और भोजन के बिना 3 हफ्तों तक जो है वो जीवित रह सकता है। परंतु हम यहां पर जिस बात की बात कर रहे हैं, पानी की और भोजन की बात नहीं कर रहे हैं,
हम हवा की बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल पर जो है चारों सरदूतों का चारों दिशाओं में जो है वो अधिकार दे रखा है। क्यों अधिकार दे रखा है? देखिए, हमारी पृथ्वी की वायुमंडल में बहुत सी गैसों का मिश्रण होता है जो हम मनुष्यों के लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत फायदेमंद होता है, और वो हमारे जीवन के लिए जरूरी भी हैं। जैसे मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मुख्य रूप से आपको कुछ चीजें बताऊंगा। हवा में जो होता है, हमारे वायुमंडल में जो होता है, नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93% तथा अन्य गैस जो होती हैं वो 0.1% जो है वायुमंडल में बनी रहती हैं, और इससे जो है हमारे शरीर के अंदर जो भीतरी अंग होते हैं उनको बहुत सा फायदा होता है, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। मगर अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट यूहन्ना है उसको क्या देख रहा है कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जो पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े हैं, अर्थात चारों दिशाओं में खड़े हुए हैं, हवा को थामे हुए खड़े हैं, उनको परमेश्वर आज्ञा क्या दे रहा है? पृथ्वी या समुन्दर या किसी पेड़ पर हवा ना चले। अब परमेश्वर ने ये आज्ञा जो है उनको दी है कि ना चले। कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो मनुष्यों को प्राप्त ना हो, क्योंकि हवा अगर नहीं चलेगी उससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हवा बिल्कुल बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा जब हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, मौसम गुमसुम सा हो जाता है और बहुत गर्मी का अनुभव इंसान करने लगता है, बहुत सी चीजें हैं। अर्थात क्या कहते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल को, या आप ये भी कह सकते हैं कि मौसम के वातावरण को बदल देना। जी हाँ, और काफी समय से आप देख रहे होंगे कि हमारे जो इस दुनिया का जो मौसम है उसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो दिखाई देता है। और ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन, बरसात के समय में जैसी बरसात होनी चाहिए नहीं होती है, या बरसात के समय में बहुत भयंकर गर्मी होती है, बहुत सी चीजें होती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती, तापमान जो है कहीं कहीं पर 50 से ऊपर तक पहुंच जाता है, और इतना भयंकर तापमान, और हर एक वर्ष जो है कहीं ना कहीं तापमान थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। कभी आपने सुना होगा कि ठंड के दिन जो है अक्टूबर के महीने से जो है शाम और सुबह की अच्छी खासी ठंड होने लगती थी, कोहरा जो था पड़ता था। अब ये ज्यादा चीजें दिखाई नहीं देती हैं, बहुत कम जो है ठंड के दिन भी रह गए हैं, ऐसे लगता धीरे धीरे ठंड खत्म होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे मौसम पर, हमारे वायुमंडल पर जो है उसका प्रभाव पड़ रहा है, और ये प्रभाव डालने का अधिकार परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को दिया है। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या देख रहा है यूहन्ना। मगर यूहन्ना जो है, जब हवा की बात करते हैं तो यूहन्ना जो है हवा का दर्शन देख रहा है कि अधिकार दिया गया है स्वर्गदूतों को। ये जो दर्शन है यिर्मयाह, डैनियल और जकरिया की भविष्यवाणी में भी देखने को मिलता है। मगर ये जो भविष्यवक्ता हैं, ये जो हवा का दर्शन देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि इनका संबंध जो है, ये प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना चार स्वर्गदूतों को देख रहा है कि हवा थामे हैं, उनसे हो या वायुमंडल से हो। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वो भी रेफरेंस दे दूं, क्योंकि कल अगर आप पढ़ेंगे कि साहब इस वायुमंडल का क्या है, ये यिर्मयाह के समय में भी जो है हवा का वर्णन दिया गया है, और जकरिया के समय में भी दिया गया, डैनियल के समय में भी दिया गया, तो मैं हर एक को थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हुए चलूंगा। यिर्मयाह 49 का 36 पद पढ़ रहा हूं, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। देखिए यहां पर जो है, जहां हवा की बात कर रहा है यिर्मयाह, यहां यिर्मयाह जिस हवा की बात कर रहा है वो एक विनाश की बात कर रहा है, वो एक बड़ी जाति की बात कर रहा है, और वो एक विनाशकारी जाति की बात जो है वो यहां पर हो रही है। इसका जो अर्थ है, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो यिर्मयाह 49 का
31 और 32 पद भी पढ़ सकते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मगर मैं यहां पर जो मेन चीज लिखी हुई है वो बता रहा हूं। यहां लिखा है, यहां पर कहता है कि चैन से रहने वाली जाति पर चढ़ाई करो, ध्यान दीजिएगा, चढ़ाई करो जो बिना निडर रहती है, मैं उनको उनके ऊंट अनगिनत गाय बैल भेड़ बकरियां लूट में जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुंडाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्तियां आएंगी। यहां पर जो है चारों दिशाओं की जो बात हो रही है, यानी चारों दिशाओं से एक जाति जो है दूसरी जाति पर ऐसी चढ़ाई करेगी कि वो उनको हवा में उड़ा देंगे। पता ही, हवा में उड़ाने का मतलब कि उनका पता ही नहीं चलेगा। जैसे बहुत आंधी, बहुत भयंकर आंधी तूफान आता है, भयंकर साइक्लोन आता है और वो उसकी चपेट में जो चीजें आती हैं वो सब उड़ा कर ले जाता है, पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गए। इस तरीके से वो एक जाति आएगी और वो दूसरी जाति को उड़ा कर ले जाएगी। यहां पर यिर्मयाह की जो हवा का दर्शन देख रहा है उसका यहां पर यह अर्थ है। यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में जो चार सरदूत हैं जो हवा को थामे, उनसे इनका कोई संबंध नहीं है। डैनियल की बात करते हैं, डैनियल 7 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा हुआ है। डैनियल ने यह कहा, मैंने रात को यह सपना देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी, तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, डैनियल जो देख रहा है वो चारों दिशाओं में नहीं देख रहा है, महासागर समुन्दर के चारों तरफ, समुन्दर के चारों तरफ जो है वो हवा को चलते हुए देख रहा है। इस हवा का संबंध भी जो है जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में 400 दूतों को देख रहा है उससे नहीं है। ये जो हवा का मतलब है यहां पर होता है उदय होना, किसी चीज का उदय होना, किसी चीज का निकलना। ये 4 जंतु जो है ये 4 राज को प्रकट करते हैं, यानी समुन्दर में से या उस महासागर में से जो चारों तरफ हवा चल रही है वहां से जो है 4 राज्य प्रकट होने के दर्शन है। अब आप कहोगे कि समुन्दर में से कैसे हो सकता है, पानी में से कैसे 4 राज उदय हो गए, इसको भी मैं समझाना चाहूंगा, जरा इसको समझने की बात है। मैं पूरा पद नहीं पढ़ूंगा मगर मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका पहला पद और वहां से पढ़ रहा हूं, इधर आ मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग में रखिए कि वो वेश्या कहां बैठी, बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। अब बहुत से पानी का अर्थ क्या है, प्रकाशित वाक्य 17:15 पद, फिर उसने मुझसे कहा जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है वे तो लोग भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। वो बहुत सा पानी क्या है, भीड़ है, जाति है, भाषाओं के लोग हैं, यानी लोगों के बीच में से ये 4 राज उदय होंगे। अब हम इन 4 राज्यों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर हमारा टॉपिक अलग हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य में 7 अध्याय उसके पहले पद में, जहां यूहन्ना दर्शन देख रहा है कि 4 सरदूत चारों दिशाओं में हवा थामे खड़े हैं, इसलिए हम उसी पर रहेंगे। अब यहां पर जो है यानी लोगों के बीच में से 4 राज उदय होंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ, जब आप पहली लाइन पढ़ेंगे, तब मैंने समुद्र में से एक पशु को निकलते देखा, यानी ये जो है समुद्र का मतलब लोगों के बीच में से एक और राज को उदय हुए देखा। तो यहां पर जो डैनियल दर्शन देख रहा है वो हवा, उस हवा का संबंध जो है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसके पहले पद से नहीं है। अब हम बात करते हैं जकरिया की, जकरिया 6 अध्याय और 1-5 पद तक जब हम पढ़ते हैं, जी हाँ, इसको हम जो है पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाशित वाक्य में जो 4 सरदूत हैं चारों दिशाओं में, उनका संबंध या जकरिया के इस बात का संबंध जो है उससे है। डैनियल और यिर्मयाह का संबंध जो है वो उनसे नहीं है, परंतु जकरिया का जो संबंध है वो इनसे है। जी हाँ, मैं यहां पर पढ़ देना चाहता हूं, मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं, पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है?
दूत ने मुझसे कहा, यह आकाश की चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जकरिया जो है वो दर्शन देख रहा है, वो घोड़ों का दर्शन देख रहा है और वो चारों दिशाओं से निकल कर आ रहे हैं। परंतु मैं पांचवां पद फिर पढ़ना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा पांचवें पद पे। दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए। अब यहां जो जकरिया दर्शन देख रहा है, जकरिया उसको समझ नहीं पाता है, इसलिए वो पूछता है कि हे मेरे प्रभु, ये है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसका भेद क्या है। तब दूत जकरिया को बताता है कि ये जो है ये पृथ्वी की चारों वायु हैं जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहती हैं, मगर यहां पर एक जो महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि ये अब निकल आए हैं, अब ये निकल आए हैं। अब यहां पर जो है जकरिया में ये दर्शन देख रहा है कि ये चारों जो वायु हैं, ये चारों जो सरदूत हैं, ये अब निकल आए हैं। कहां पर निकल रहे हैं? देखिए प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय 1 पद में ये निकल के आ गए हैं, जिसको यूहन्ना जिसका दर्शन देख रहा है। और ये जो है पृथ्वी के ऊपर जो है इनको अधिकार दिया गया है कि उसकी वायुमंडल को ऐसे थामे रखें कि पृथ्वी पर जो है हवा ना चले, बिल्कुल भी हवा ना चले, इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाए। और हवा के बिना जो परेशानी, जो मुसीबतें जो उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो वो होने लगे। क्यों आखिर परमेश्वर ने ऐसा कर रहा है? क्योंकि मनुष्य इतना पापी हो गया है, इतना पाप से भर गया है कि उसको अपने पाप का दंड भोगना पड़ेगा। परंतु याद रखिए, मैं फिर बता रहा हूं कि जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, उनको इस पृथ्वी के ऊपर कितनी भी विपत्तियां आए, कितनी भी मुसीबतें आए, कोई हानि नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप चाहते हैं कि वो जो विनाश इन चार सरदूतों के द्वारा आने वाला है कि पृथ्वी पर की हवा रोक दी जाए, थाम दी जाए, जिससे मनुष्य घुट घुट के मर जाए या घुटन का एहसास हो परंतु मरे जल्दी नहीं, तो उससे बचे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, ताकि ऐसी भयंकर परिस्थितियां जब इस पृथ्वी पर हो तो हम सेफ हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।